ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बड़ी खबर आ रही है, राजू व्यास यूनिवर्सिटी की भर्ती पर रोक का मामला। सहायक प्रोफेसर के पदों की भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। अप्रैल में ये भर्ती के साक्षात्कार प्रस्तावित थे, अब पशुपालन विभाग ने साक्षात्कार प्रक्रिया को अग्रिम आदेशों तक रोक दिया है। पशुपालन उप सचिव संतोष करोल ने रोक के आदेश जारी कर दिए हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य नहीं होने और चयन समिति में सरकार के सदस्यों का मनोनयन नहीं होने पर ये आदेश रोके गए हैं। जोबनेर वेटरनरी विश्वविद्यालय अब अलग खुल चुका है। आरोप ये भी कि जोबनेर के पदों को नियम विरुद्ध भरा जा रहा है और इसलिए इन साक्षात्कार को फिलहाल रोक दिया गया है। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, भर्ती प्रक्रिया पर रोक के आदेश। काशीराम मेरे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। काशीराम, राजू व्यास यूनिवर्सिटी मामला क्या पूरा? भर्ती प्रक्रिया पर रोक, सहायक प्रोफेसर के लिए भर्ती होनी थी, मामला क्या है पूरा? जी देखिए सुमित, ये जो भर्ती है, सहायक प्रोफेसर की भर्ती चल रही थी राजू व्यास यूनिवर्सिटी बीकानेर, जो है राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, उसकी सहायक प्रोफेसर की भर्ती थी, जिसके की आवेदन लिए गए थे जनवरी में और उसके बाद अब अप्रैल में इसके इंटरव्यू प्रस्तावित थे। लेकिन भर्ती में कई तरह की गड़बड़ियां चल रही थी और उनका जी मीडिया ने भी खुलासा किया था। 9 फरवरी को हमने एक विशेष खबर प्रसारित की थी जिसमें ये बताया था कि जोबनेर भर्ती वाकई में वास्तविकता में जोबनेर यूनिवर्सिटी के रिक्त पदों के लिए होनी है, लेकिन उन रिक्त पदों को भी इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल कर लिया गया जो कि नियम विरुद्ध है और ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। तो इन सब गड़बड़ियों की लेकर पिछले कुछ समय से शिकायतें भी मिल रही थी। और दूसरी बड़ी बात यह भी थी कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो होता है विश्वविद्यालय का, उसमें राज्य सरकार के जो सदस्य होते हैं उनका मनोनयन ही नहीं हुआ था। और इसके अलावा जो चयन समिति होती है जो कि इंटरव्यू लेगी, उसमें भी राज्य सरकार के सदस्यों का चुनाव नहीं हुआ था। तो इन सब गड़बड़ियों को देखते हुए और शिकायतों को देखते हुए और जो जी मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया था, उस सब को देखते हुए पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत ने इस भर्ती के बारे में अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इसको देखा जाए। और अब जब गड़बड़ियां ये सामने आई तो इनको लेकर के अब रोक लगाई गई है। पशुपालन विभाग के जो उप सचिव हैं संतोष करोल, उन्होंने आदेश जारी कर दिए कि इस भर्ती प्रक्रिया को आगामी आदेशों तक रोका जाता है। तो फिलहाल जो इंटरव्यू अप्रैल में होने थे वो फिलहाल नहीं होंगे और इस तरह की जो गड़बड़ियों को लेकर जो भर्ती की जा रही थी वो अब नहीं होगी। गड़बड़ियों को लेकर भर्ती की जा रही, भर्ती में गड़बड़ियां थी, जी मीडिया ने इसका खुलासा किया, भर्ती रोक दी गई, लेकिन इसमें कसूर उन अभ्यर्थियों का तो नहीं ना जिन्होंने अप्लाई किया होगा? अब क्या कुछ साफ हो पाया है कि कब ये भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू होगी, नए सिरे से, नए तरीके से, ये साफ हो पाया काशीराम? जी देखिए सुमित, अब जो गड़बड़ियां हैं कम से कम उनको पहले उनका निराकरण किया जाएगा और उसके बाद ही भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकेगी। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं जो गलती है वो विश्वविद्यालय प्रबंधन की है। हाँ। क्यों आखिर इतनी जल्दबाजी में वो भर्ती प्रक्रिया को पूरा करना चाहते थे और जब आवेदन लिए ही थे उसके कुछ समय बाद ही इंटरव्यू का शेड्यूल जारी कर देना, वो कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। पूरी स्क्रूटनी नहीं की गई थी आवेदनों की, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो इस जल्दबाजी केस क्यों थी और नियम जो थे उनको क्यों दरकिनार किया जा रहा था? जोबनेर के जो रिक्त पद हैं उसके लिए अलग से रोस्टर जारी होना चाहिए क्योंकि जोबनेर एक अलग विश्वविद्यालय बन चुका है, पिछली सरकार ने घोषणा की थी। ठीक है, शुक्रिया काशी तमाम जानकारी के लिए।